झारखंड में महागठबंधन की आज अहम बैठक होनी है। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने विधायकों की जरूरी बैठक बुलाई है। इसके लिए जेएमएम और कांग्रेस ने अपने अपने विधायकों को रांची से दूर नहीं जाने को कहा है। दरअसल कांग्रेस के 3 विधायक 48 लाख नकदी के साथ पश्चिम बंगाल में पकड़े गए थे। इसके बाद से ही कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा अलर्ट मोड में है। दोनों ही दल किसी भी तरह की टूट से बचने के लिए पहले से ही तैयार रहना चाहते हैं। वहीं इस बैठक में कई मायने निकाले जा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो को कनाडा दौरा स्थगित करना पड़ा है। इस पूरे मामले पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार में संलिप्त है, चुनाव आयोग ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है, इस लिहाज से मुख्यमंत्री अपनी तैयारी पहले से कर रहे हैं। सरकार का जाना तय माना जा रहा है। वहीं जेएमएम के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने शनिवार को होने वाली बैठक के बारे में कहा कि राज्य में सुखाड़ की स्थिति को लेकर गठबंधन की बैठक होने वाली है। इलेक्शन कमीशन में सुनवाई पूरी हो चुकी है और कभी भी फैसला आ सकता है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि हमने जो स्ट्रॉन्ग तथ्य दिए हैं, डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, उसके आधार पर ये फैसला हमारे पक्ष में आने की हमें पूरी उम्मीद है। और ये फैसला अगर हमारे पक्ष में आता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी के सदस्यता के जाने के साथ ही ये सर, और जिन्होंने जिस तरीके से अपने गठबंधन के अलायंस पार्टनर्स की अनदेखी की है और जो विभिन्न विधायक इनके सरकार से विक्षुब्ध हैं, असंतोष है, अंतर्कलह है, तो हमें लगता है कि दोबारा इस सरकार के पास 41 की संख्या जुटाना बहुत मुश्किल होगा। तो इसके साथ ही इस भ्रष्ट और एक लंबे समय से झारखंड की सबसे अनपॉपुलर सरकार का अंत हमारे हिसाब से आने वाले दिनों में निश्चित है। कल की यूपीए की बैठक महत्वपूर्ण इसलिए है कि अल्पवृष्टि के कारण हमारे राज्य में सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई और इस भयावह संकट में केंद्र सरकार हमारे साथ क्या व्यवहार करेगी और उसके लिए हमारी क्या रणनीति होगी। क्योंकि बाकी राज्यों में तो तुरंत सब कुछ चल जाता है, लेकिन हमारे राज्य में तो चीजें आने में बहुत समय लग जाती हैं। तो इन सभी चीजों पर बातें हो। संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, झारखंड में कई जो सियासी उठापटक है वो देखने को मिल रहा है और इस बीच जेएमएम और कांग्रेस के विधायकों की बैठक है और कयास इसके कई लगाए जा रहे हैं कि आखिर किन मुद्दों को लेकर के बैठक हो रही है, चाहे 3 विधायकों का पकड़ा जाना या फिर चुनाव आयोग ने जो फैसला सुरक्षित रखा है, और कितना अहम माना जाए यह बैठक दोनों दलों के लिए। बैठक शुरू होने वाली है और इस बैठक में शामिल होने के लिए जो गठबंधन के तीनों दल के जो लोग हैं, विधायक हैं, वे मुख्यमंत्री आवास पहुंचने लगे हैं। यदि अब तक की बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के राजेश ठाकुर के अलावे विधायक अंबा प्रसाद, दीपिका पांडे, मंत्री बन्ना गुप्ता, मिथिलेश ठाकुर जो पेयजल मंत्री हैं, इसके अलावे जेएमएम के जितने भी विधायक हैं लगभग पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री आवास। और आज की यूपीए की जो बैठक है कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से जो निर्वाचन आयोग में मुख्यमंत्री के मामले पर जो सुनवाई हुई थी वह उसको निर्वाचन आयोग ने अभी अपने पास रखा है। इसके बाद उनके जो भाई बसंत सोरेन हैं उनका भी मामला इसी में पेंडिंग है और संभवतः 22 तारीख को उस मामले पे सुनवाई होनी है। और जिस तरह से विपक्ष कहीं ना कहीं सरकार पे निशाना साध रही है कि यह सरकार अब बहुत दिन चलेगी नहीं, गिरने वाली है, इसको लेके कहीं ना कहीं यह एक बैठक अहम मानी जा रही है। हालांकि जेएमएम ने कल ही साफ कर दिया कि इससे पहले भी बीजेपी ने कई बार हमारी सरकार को गिराने की कोशिश की थी और उसका पर्दाफाश भी हुआ है। हालांकि इस बैठक में आज देखा जाए तो कांग्रेस से लगभग 5 विधायक ऐसे हैं जो संभवतः इस बैठक में नहीं शामिल होंगे, जिसमें से केस कांड में पकड़ाए 3 जो विधायक हैं, राजेश कच्छप, इरफान अंसारी और पुंगाड़ी, 3 ऐसे विधायक हैं जिनको कलकत्ता छोड़ने की अनुमति नहीं है। कोर्ट ने उनको उसी आधार पर जमानत दी है कि 3 महीने तक उनको कलकत्ता में ही रहना होगा। उसके अलावा कांग्रेस की विधायक ममता देवी हैं, वो स्वास्थ्य कारणों से इस बैठक में नहीं शामिल हो रही हैं और
नई विधायक जो मांडर की हैं शिल्पा नेहातिर की, वे कल दिल्ली गई हुई थी और वेणुगोपाल से उनकी मुलाकात हुई थी। देखना होगा कि वो रांची पहुंची है कि नहीं। तो ऐसे कई विधायक हैं बीजेपी के जो कांग्रेस के जो इस बैठक में नहीं शामिल हुए हैं। इसके अलावा यदि जेएमएम की बात करें तो जेएमएम कोटे से जितने भी विधायक हैं लगभग पहुँच चुके हैं सीएम हाउस में, और 11 बजे से इस बैठक आहूत की गई थी, पर अभी भी लोगों का जो सिलसिला है विधायकों का वह जारी है और संभवतः 10 से 15 मिनट में इस बैठक की शुरुआत हो जाएगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक होना है। यदि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के जो मंत्री हैं रामेश्वर उरांव, मंत्री जो बन्ना गुप्ता हैं वे पहुंच चुके हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर पहुंच चुके हैं, कांग्रेस के कई विधायक जो अंबा प्रसाद है, बड़का गांव के विधायक हैं, महगामा के विधायक दीपिका पांडे, सारे लोग जो मुख्यमंत्री आवास है जहाँ पे यह बैठक आहूत की गई है वहाँ पर पहुँच गई है। हालांकि जिस तरह से जेएमएम ने कल साफ किया था कि इस बैठक में जो सुखाड़ की स्थिति है पूरे राज्य में उस पर भी चर्चा होगी, तो देखना होगा कि इस पूरे राजनीतिक जो परिप्रेक्ष्य झारखंड में चल रहा है वो राजनीतिक हालात और जो सुखाड़ की स्थिति है जो कांग्रेस ने पहले भी साफ किया था कि जो कुछ विधायक हैं उनके जो क्षेत्र की जो समस्या है उन समस्याओं पे भी इस बैठक में चर्चा होगी। तो देखना होगा कि बैठक के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि इस आज की जो बैठक है उस पर किन किन बिंदुओं पर चर्चा होती है। हालांकि जो राजनीतिक सरगर्मी राज्य में है उस पर जरूर चर्चा होगी, क्योंकि चुनाव आयोग के पास मुख्यमंत्री का जो मामला है वह पेंडिंग है। अभी मुख्य जो निर्वाचन आयोग है उनके मामले पर सुनवाई जरूर हुई है, पर जो उस पर निर्णय है उसको सुरक्षित रखा गया है। तो इन सभी चीजों पर आज की जो यूपीए की बैठक है उस पर चर्चा होगी। चलिए बिल्कुल, तो काफी महत्वपूर्ण बैठक। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी और तमाम तस्वीर के लिए संदीप आपका।